अगस्त 2023 के सी टेट का ऑफलाइन जो एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर का एनालिसिस करेंगे और बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, साथ साथ में ये देखेंगे कि हमने करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई कैसे करना है और रॉन्ग आंसर को आइडेंटिफाई कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन है, जो तो एंट्रेंस टेस्ट दे चुके हैं अभी उनको ये नॉलेज नहीं होगी, दैट इज़ वाई मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन को बढ़ाऊंगा और थोड़ा सा जो इजी करने की कोशिश करूंगा और सेंट्रल आइडिया बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्व कैसे करने हैं, उनको थोड़ा डरावना भी लगेगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू प्याजे, प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, हम जानते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थिंकिंग और नॉलेज बच्चा गेन कैसे करता है स्टेप बाय स्टेप। तो फोर क्वालिटेटिव स्टेज, इसमें भी आंसर है नंबर एक के फोर स्टेजेस है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्याजे की थ्योरी की कितनी स्टेजेस है, फोर स्टेजेस हैं। अच्छा, वो स्टेजेस क्वालिटेटिव चेंज की पर बात करती है या क्वांटिटेटिव पर, क्वालिटेटिव पर, दूसरा आंसर मिल गया। डिफरेंट स्टेज है नंबर एक, कौन सी स्टेजेस, फोर स्टेजेस आर डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक कोड ऑफ चिल्ड्रन, नंबर एक बात होगी। मेन वर्ड को मैंने अंडरलाइन कर लिया, रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पैटर्न, मैंने यूनिवर्सल को अंडरलाइन कर लिया। पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इलुस्ट्रेट दैट चिल्ड्रंस माइंड आर मिनिएचर, मैंने मिनिएचर ऑफ अडल्ट को अंडरलाइन कर लिया। वेरी वास्टली अक्रॉस वेरिएशन कल्चर एंड, पहले तो मैंने इसको सर्कल कर लिया, सर्कल का मतलब है ये मुझे बता रहा है कि इसके गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये एक्सेसिव टर्म है। हिंदी में पढ़ ले, प्याजे के अनुसार गुणात्मक रूप से चार विभिन्न अवस्थाएं हैं, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है, जेनेटिक को बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्न, सार्वभौमिक जो हर जगह अप्लाई होता है, परमात्मा कहते हैं सर्वव्यापिक, सर्व सभी जगह। तो ये जो थ्योरी है इसकी स्टेजेस है, यूनिवर्सल का मतलब है कि इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, श्रीलंका में भी है, यूके में, यूएस में, चाइना में, रशिया में, सभी जगह है ना, जहाँ भी व्यक्ति रहते हैं। उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चे का मन लघु व्यवस्थित मन होता है, मतलब कि जैसे अडल्ट का मन है उसका ही छोटा रूप होता है, ऐसा उसने वैसे बिल्कुल नहीं कहा, इससे उल्ट कहा है। दुनिया के विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं, जो एक कल्चर से दूसरे कल्चर में विभिन्न होती हैं, जैसे कि इंडिया में कोई और स्टेजेस होंगी जहाँ स्टेजेस वेरी करेंगी बहुत ज़्यादा, वो हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें सबसे पहले एक ही मुझे अंडरलाइन सर्कल मिला है जो बता रहा है कि गलत होने की संभावना है, अगर आपको नहीं पता तो इसको गलत, सबसे ज़्यादा गलत में रख के सोचा जा सकता है, लेकिन जिसने इसका उत्तर दिया है वो इसको ही राइट आंसर लेके चले हैं, यहाँ पर गड़बड़ है, है ना। दूसरा गलत आंसर कहाँ से मिल सकता है, जेनेटिक कोड, यहाँ बात किसकी हो रही है, डेवलपमेंट की, है ना, क्योंकि प्याजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है। तो इसके लिए हम उधर चल के बोर्ड पर समझते हैं कि जेनेटिक कोड को क्यों रिजेक्ट करना है। जो डेवलपमेंट है जिसे विकास कहते हैं, दो फैक्टर मेन जो है रिस्पॉन्सिबल हैं, हेरिडिटी क्या है कि जीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके हैं बच्चे के हैं वो पेरेंट्स से पास ऑन होते हैं बच्चे को, ऑफस्प्रिंग को, है ना। एनवायरनमेंट क्या है कि उस कंसेप्शन 9 महीने के पीरियड, 9 महीने के नहीं, कंसेप्शन के जब बीज रूप में बच्चा है उसके बाद का सारा डेथ तक का पीरियड कि जो बाहर है, एक्सटर्नल है, जो मदर है, इवन उस पर जो इन्फ्लुएंस पड़ते हैं वो भी एनवायरमेंटल है, उसकी डाइट है, एक्सरसाइज है, थिंकिंग है, सारा कुछ बाहर से, वो एनवायरमेंट है। जो जीन्स है इंटर है, तो डेवलपमेंट क्या है, इन दोनों का इंटरेक्शन है, ये गुना का निशान है, जमा का नहीं है, ये नहीं है, ये इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन किसका, कि जीन्स का और एनवायरमेंट का। कोई भी ऐसा थ्योरिस्ट नहीं है, ये फंडामेंटल बात है, कोई भी ऐसा थ्योरिस्ट नहीं है जिसने ये कहा हो कि सिर्फ हेरिडिटी इज द कॉज। ले जो विवाद है हेरिडिटी और एनवायरमेंट के इफेक्ट में, नेचर और नर्चर भी इसको बोला जाता है, वो विवाद है कि डोमिनेट क्या करता है। जीरो कभी सोचा ही नहीं जा सकता, सिर्फ जो हेरिडिटी में लिखा है वही होगा, एनवायरनमेंट जीरो है। हेरिडिटेरियन जो कहते हैं वो कहते हैं कि ज़्यादा डोमिनेट इसका प्रभाव ज़्यादा है। जो एनवायरनमेंटलिस्ट है, वाटसन वगैरह है, एक्सेसिव भी, वो कह रहे हैं इसका ज़्यादा है, इसको कोई भी जीरो नहीं कर सकता। ये कह सकते हैं कि 90% इसका है, 10% इसका है,
तो हमारे उस ये मैं बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ ये बता दिया आर डिपेंडेंट अपॉन जेनेटिक कोड ऑफ चिल्ड्रन, तो यहाँ एनवायरनमेंट की बात नहीं की। इट मीन्स ये एक्सेसिव स्टेटमेंट हो गई और इसको भी रिजेक्ट किया जा सकता है इस लॉजिक पर कि ये सिर्फ जीन्स की बात कर रहे हैं, हेरिडिटी की बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहे। दैट इज वाई हमें कोई नॉलेज नहीं थी पियाजे की, लेकिन हमने दो स्टेजेस को रिजेक्ट कर दिया कि इसने सिर्फ जेनेटिक की बात की है और इसने वेरी वास्टली एक्सेसिव टर्म जो यूज की है ना, तो इनको रिजेक्ट किया जा रहा है। अब रियलिटी जो देख लें, रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इलुस्ट्रेट द चिल्ड्रंस माइंड, है ना। वैसे तो ये गलत है, इसको ठीक है, जान भी लेते हैं कि कैसे। उसके लिए क्या जानना होगा कि पियाजे ने जो स्टेजेस बताई हैं वो है क्या। मैं स्टेप क्यों बना रहा हूँ, स्टेप इसलिए बन रहे हैं कि एक स्टेज दूसरी स्टेज को डिसकंटिन्यू कर रही है। जहाँ जो भी थ्योरी स्टेज थ्योरी होगी वो कह रही है कि डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यू। इसके लिए याद रखने के लिए ये पहले को छोड़ के जो तीन है इसका मिड वाला पोर्शन ले लेना है। मिड वाले पोर्शन में एक शब्द लिखना है हमने, ऐसे ही लर्न करेंगे, ऑपरेशनल, दिस इज द सेंट्रल ऑपरेशनल या ऑपरेशन वर्ड जो पियाजे की थ्योरी का सेंट्रल है। इसका कुछ मीनिंग, वेरी मीनिंग इजी क्या है कि जो इंटरनल ऑपरेशन माइंड में चलता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है जिसको हमें लॉजिकल थिंकिंग, वैसे इसका मीनिंग डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ जो पहली स्टेज पर समझना है तो इसको कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो गई कि नहीं हुई। चलो इसको पूरा कर लेना, ऑपरेशन, ये ऑपरेशन है। इससे पहले वाली स्टेज जो है वो प्री ऑपरेशन, ऐसे आपको स्टेज याद हो जाएगी। इससे बाद वाली पोस्ट या फॉर्मल ऑपरेशन, यहाँ फॉर्मल लिख दिया है ना, तो ये ऑपरेशनल, कौन सी, कंक्रीट ऑपरेशनल है ना। ये सिर्फ एक डिफरेंट है जो सेंसरी मोटर है। सिंपल बेसिक क्या है इस थ्योरी का कि इस उसने नॉलेज, यही है ना, थिंकिंग या नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड कैसे करता है, यही कॉग्निटिव एबिलिटी है कि बाहर को वर्ल्ड को समझना है। इस स्टेज पर वो सेंसरी और मोटर एक्टिविटी से, एक्शन से, अपनी बॉडी की मूवमेंट से बाहर के संसार को समझता है, वो थिंकिंग से नहीं समझता। यहाँ पर उसका ऑपरेशन शुरू हो गया है लेकिन एरर ही एरर हो रही है, लॉजिकल थिंकिंग में एरर ही एरर हो रही है। यहाँ पर क्या है कि लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो गई है लेकिन वो कंक्रीट रूप में जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा उसके बेस पर ही कर सकता है। जैसे हम करते हैं कि ये स्टिक चार स्टिक बच्चे को दे दी, ये फिंगर बता दिया कि सबसे छोटी कौन सी, सबसे बड़ी कौन सी, उससे बड़ी कौन सी, सबसे बड़ी कौन सी, है ना। अब ये कंक्रीट है, ये इसको देख के बच्चा इस स्टेज पर सॉल्व कर लेगा। स्टेज कौन सी है, यहाँ पर 2 साल लिखना है और यहाँ 7 लिखना है, इतनी बात है। 2 साल से पहले और ये 7 साल तक, और साथ यहाँ पर इसकी लेग्स है ऐसे, जैसे ऐसे ही 11 बन जाएगा 11 साल तक। 2, 7, 11, ये 3 लेवल है और 11 से प्लस चौथी बन गई। अब यहाँ पर एरर है, यहाँ पर लॉजिकल एरर खत्म हो गई लेकिन एक लिमिटेशन है, कंक्रीट है। यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग भी है और एरर भी खत्म हो गई लेकिन कंक्रीट चीज की जरूरत नहीं, उसके बिना ही बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अब यूनिवर्सल क्या हुआ, यूनिवर्सल क्या हुआ कि इंडिया में भी ये 4 स्टेजेस ही होंगी। नंबर 1, उस पहली स्टेज के बाद ही दूसरी स्टेज आएगी, कलर चेंज करके बताते हैं। ये रही पहली स्टेज, ये वाली इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, श्रीलंका में भी और चाइना में भी। यूनिवर्सल का मतलब है जहां भी कोई ह्यूमन बीइंग है, वो कहीं भी रहता है इस धरती पर, उसको ये 4 स्टेजेस से गुजर के ही जाना पड़ेगा। कोई बच्चा सुपरमैन, बेशक आइंस्टाइन क्यों ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, वो दूसरी स्टेज को छोड़ दे। पहली में एक्शन से ही सीखेगा, दूसरी में एरर लॉजिकल थिंकिंग की करेगा ही, तीसरी में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी लेकिन कंक्रीट रूप में सोचेगा, और चौथी में वो बिना कंक्रीट मटेरियल के सोचना शुरू कर देगा। तो दिस इज द राइट आंसर के यूनिवर्सल पैटर्न है, दिस पैटर्न इज यूनिवर्सल इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका, सभी जगह पर, ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। हाँ, इलुस्ट्रेट दैट चिल्ड्रंस माइंड आर मिनिएचर ऑफ अडल्ट, इसका विरोध किया था, ऐसे नहीं है। बच्चे अपने ढंग से इस संसार को देखते हैं, वो अपने ढंग से इस संसार को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में पियाजे ने इसी बात को चैलेंज किया था, उसकी थ्योरी ने
ये बातें जो थी सामने रखी। हिंदी में भी देख ले, बच्चों का विकास सार्वभौमिक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती है। सारे बच्चे इन चार स्टेजों से गुजर के जाते हैं, कोई भी बच्चा एक किसी भी स्टेज को स्किप नहीं कर सकता, बेशक अमीर हो गरीब हो, यहाँ कहो वहाँ कहो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, कोई भी हो, चार स्टेज से गुजर के ही जाएगा। तो एजुकेशन ने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है बच्चा किस स्टेज पर पहुँचा है, उस स्टेज के अनुसार करिकुलम और करिकुलम ट्रांजेक्शन और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करनी है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाइगोत्स्की का, जिन्होंने रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, लेकिन इनके लैंग्वेज बैरियर था क्योंकि ये मदर टंग में लिखते हैं और ये इनकी रिसर्च जो पब्लिश नहीं हो चुकी इंग्लिश में, प्याजे की रिसर्च इंग्लिश में स्विट्जरलैंड के थे पब्लिश हो गई, दैट इज़ वाई इनकी थ्योरी ने कई चीज़ें ऐसी हैं जो एडवांस की हैं प्याजे से भी बेहतर, लेकिन इनकी डेथ जल्दी हो गई थी, दैट इज़ वाई अधूरी थ्योरी रह गई। वो अधूरी थ्योरी भी कई कुछ कर जाती है, पहले रीड कर लें। वाइगोत्स्की बिलीव दैट डेवलपमेंट इज, जैसे प्याजे का पूछा गया है वैसे वाइगोत्स्की का, रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम मैच्योरेशन, इसको अंडरलाइन करेंगे समझेंगे। अब मैच्योरेशन, जैसे वहां हेरिडिटी थी यहाँ ऐसे मैच्योरेशन है, रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, अभी थ्योरी को समझते हैं और इसको थोड़ा सा टिक लगा लेते हैं क्योंकि यही बेस्ट है अब तक बन रहा, इज अनफोल्डिंग जेनेटिक प्रोग्रामिंग। मैच्योरेशन और इसकी डेफिनेशन जब पढ़ेंगे, मैच्योरेशन की है अनफोल्डिंग जेनेटिक प्रोग्रामिंग, इसका मतलब है एक टाइम टेबल बना हुआ है जिसके मुताबिक हमारी जेनेटिक जो एबिलिटीज हैं वो अनफोल्ड हो रही हैं, जैसे किस एज में बच्चा चलना शुरू कर देता है ना, बैठना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है, किस एज में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मैच्योर होने फंक्शनिंग शुरू कर देते हैं, ये मैच्योरेशन की ही एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूअस, हाँ देखते हैं कि प्याजे और वाइगोत्स्की में, वैसे ब्रीफ में बता दूं कि जो भी स्टेज थ्योरी होगी, यहां पर लिख दूं, जो भी स्टेज थ्योरी होगी, अगर आपको नहीं पता ये आ जाता, जो भी स्टेज थ्योरी होगी वो कहेगी कि डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस, जो प्याजे का पीछे देख के आए थे। जो स्टेज थ्योरी नहीं होगी, नॉन स्टेज थ्योरी है, वो कहेगी कि कंटिन्यूअस। तो इनकी कोई स्टेजेस नहीं है, दैट इज वाई वाइगोत्स्की ने यह कहा था कि जो डेवलपमेंट है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो अपना ब्याजे हैं उन्होंने एक, उनकी थ्योरी क्या कहती है कि डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि स्टेज है 1 2 3 है ना, यहाँ डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, यहाँ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि पिछली चीज को छोड़ दिया, यहाँ एक्शन से सीख रहे हैं बच्चे है ना, यहाँ माइंड से सीखने लगे हैं है ना, यहाँ माइंड की एरर ही एरर कर रहे हैं, जो एरर कर रहे हैं यहाँ पर छोड़ दिए हैं, छोड़ दिया मतलब नेक्स्ट स्टेज आ गई, ये स्टेज थ्योरी है। अब ये देखना है, तो ये तो गलत हो गया, अनफोल्डिंग भी गलत हो गया, ये मैच्योरेशन की ही जो सेम चीज़ है जेनेटिक प्रोग्रामिंग मैच्योरेशन, इट मींस क्या हुआ कि ये भी गलत निकल रहे हैं, ये भी गलत निकल रहे हैं, ये भी गलत निकल रही है। अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है तो ये हो गया कि ये कंटिन्यूस कहते हैं, यहाँ डिसकंटिन्यूस लिखा है, गलत हो गया। और ये मैच्योरेशन है, इसकी मुझे डेफिनेशन पता है सेम, यहाँ डेफिनेशन लिखी है, ये दोनों गलत हो गए। और सोशल इंट्रैक्शन तो है ही है, इससे भी पहले कुछ नहीं करना, जब भी वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम आता है तो उसकी थ्योरी का नाम ही याद रखना है, वो क्या है, सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मीन थिंकिंग एंड नॉलेज, स्पेलिंग गलत तो ठीक कर लेना। सोशियो जो है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट उसकी थ्योरी का, कि बच्चा जो है, प्याजे ने कहा था ये बच्चा है ओके, ये एनवायरनमेंट है, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट, बच्चा मोबाइल से खेल रहा है, मोबाइल से इंटरेक्ट कर रहा है ओके, तो प्याजे कहता है कि तीसरा पर्सन कोई नहीं है उसके बीच में, ये वाला ओके, ये नहीं है, वो सिर्फ एनवायरनमेंट से खुद इंटरेक्ट करता है और कभी मोबाइल को फेंकता है, कभी ऑपरेट करता है, उसका बल्ब जग जाता है, उसके में से आवाज़ आती है, तो ये नॉलेज खुद बना लेता है, अच्छा ये मोबाइल को ऐसे दबाने से ऐसा होता है, ऐसे करने से ऐसा होता है, दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ओके। कैसे हुई, विदाउट सोशल इंटरेक्शन, एनवायरमेंटल इंटरेक्शन है, सोशल इंटरेक्शन नहीं है। सोशल इंटरेक्शन क्या है कि ये यहाँ पर प्याजे क्या है कि सिर्फ एनवायरमेंट, वो मोबाइल पकड़ा रहा है, जो दे रहा है, जहाँ उठा लिया गया खुद ही है ना, पर
वैगोस्की ने क्या कहा, सोशियो, ये सोशियो आ गया, सोशियो मीन के वो पर्सन ऐड होएगा। और सोशियो कैसे होता है, इसके और इसके बीच में, सोशल होता कहते हैं कि इसके और इसके बीच में इंटरेक्शन होगा। यहां पर लाइन खींच के मैंने लिख दिया इंटर एक्शन, ओके। अब इंटरेक्शन कैसे होगा, कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन कैसे होगा, दो तरह से हो सकता है, वर्बल और नॉन वर्बल, और वर्बल को क्या कहते हैं, लैंग्वेज। तो द मेजर थ्री फैक्टर ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी इज फॉर गेनिंग नॉलेज और फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थिंकिंग डेवलपमेंट, क्या है, फर्स्ट इज सोशल, सोशल जब भी आएगा लैंग्वेज आएगी, जब भी लैंग्वेज आएगी कम्युनिकेशन आएगा, कम्युनिकेशन आया इंटरेक्शन आया, इंटरेक्शन आया कम्युनिकेशन आया, कम्युनिकेशन आ गया लैंग्वेज आ गया, लैंग्वेज आ गया सोसाइटी आ गई। आप दो जने हो, इंटरेक्ट करते हो, रिलेशन बनता है, और अगर कंसिस्टेंसी है तो वो परमानेंट, रिलेटिवली परमानेंट रिलेशन बन जाता है। दूसरा, इन्होंने कल्चर की बात की है, ठीक है, ये भी इसी का पार्ट है। लेकिन ये तीन वर्ड से ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सोशो कल्चरल एंड लैंग्वेज, तीन बातें याद रखनी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सोशल भी है, ये रहा इंटरेक्शन भी है, दो वर्ड सीधे ही मिल गए, राइट आंसर आपको मिल गया। अब थोड़ा सा ये समझ लें, बेस समझ में आ जाएगा, वाइगोत्स्की कहता क्या है, वाइगोत्स्की कहता है कि जब बच्चा एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, मोबाइल से इंटरेक्ट करता है, तो फैसिलिटेटर है, जो अडल्ट है, मोर नॉलेजेबल अदर है, जो जिसको उस मोबाइल के बारे में ज्ञान ज़्यादा है, जो एनवायरनमेंट में ऑब्जेक्ट है, वो उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चनिंग कर सकता है, वो कोई उसके रिगार्डिंग हिंट दे सकता है, वो उसके रिगार्डिंग कह सकता है कि यहाँ पर फोकस करो, आपको सोल्यूशन मिलेगा, आपको बेटर समझ आएगी। लेकिन ये सीधी बात इसको नहीं बोल दोगा कि यहाँ प्रेस करो, ये होता है, ये वो ट्रांसमिशन होगी, ये सिर्फ हेल्प कर रहा है कि सोचना कैसे है। तो ये थ्योरी है वाइगोत्स्की की, सोशो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दोनों ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की मेजर थ्योरी हैं, लेकिन इनमें सिर्फ डिफरेंस ये है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।